आज हम एक ऐसी रेसिपी के साथ में आए हैं जो कि बच्चों और बड़ों सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आज हम बनाएंगे सोयाबीन की सब्जी। तो चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आपका मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे सोयाबीन की बड़ी, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और स्वाद तो पूछिए नहीं। हर कोई बोलेगा कि नहीं और दे दो, और खानी है। तो चलते हैं इसको बनाने के पहले प्रोसेस में। इससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज की सुपर टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैंने लिया है सोयाबीन। इसको मैंने 10 मिनट पहले पानी में, नॉर्मल पानी में ही सोक किया है और इसको इस तरीके से हम लोग इसका पानी निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से सोक हो गई है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है नॉर्मल पानी में 10 मिनट में, नहीं तो आप इसको बॉईल भी कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसको एक बर्तन में निकाल लिया है। इसमें डाला है 1/2 कप मैंने दही, ज़्यादा खट्टा दही नहीं लेना है हमको, नॉर्मल लेना है। 1 चम्मच डाला है मैंने कस्तूरी मेथी, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है, तीखा भी नहीं होता, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मैंने भर के लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। इन सारी चीज़ों को हम लोग मिक्स कर लेते हैं और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। याद रखिएगा हमको आगे भी नमक डालना है, इसलिए इसमें थोड़ा सा ही नमक डालिएगा। इसको मिक्स कर लेते हैं और 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे एक कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में 2 चम्मच हम लोग डालेंगे मस्टर्ड ऑयल और इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 तेज पत्ता, 4 से 5 लौंगे, 4 से 5 काली मिर्च। इसको मिला लेते हैं आपस में ताकि मसाले हमारे जले नहीं। 1 इंच दालचीनी की लकड़ी और इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप करके रखा था। प्याज को हमको तब तक भूनना जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें डालेंगे हम लोग 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ग्रेट करके। टमाटर को भी हम लोग अच्छी तरीके से पका लेते हैं। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक ताकि हमारे टमाटर थोड़ा जल्दी गल जाए। आप चाहे तो इसको ढक के भी पका सकते हैं। इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इससे सब्जी में कलर बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें हम लोग डाल देते हैं मैरिनेट किया हुआ अपना सोयाबीन। सोयाबीन डालने के बाद हमको 5 से 6 मिनट तक सब्जी को फ्राई करना है। अब इसमें डालेंगे 2 ग्लास हम लोग पानी। पानी के डालने के बाद हमको 10 से 15 मिनट तक सब्जी को पकाना है। आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट हो गए। इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया और इसको मिला देते हैं। गैस का फ्लेम करते हैं ऑफ और अब चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने एक सर्विंग बोल में डाल दिया है सब्जी को। थोड़ा सा इसमें कर देते हैं गार्निश हरे धनिया के साथ और ये देखिए, ये हमारी सोयाबीन की सब्जी बन गई है रेडी।
और आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपी में। थैंक यू।